और चंदेली के राजा सुसपाल के लिए पत्र भेज दिया। जब पत्र भेज दिया है और उधर रुक्मणी को सुनने को मिला कि मेरे भैया रुकुम ने अपने साले सुसपाल के लिए पत्र भेजा है, तो भैया रुक्मणी घर में एक कमरे में जाकर के बैठ गई और भगवान कन्हैया की याद में रोई, और रोते रोते आज रुक्मणी ने भगवान कन्हैया को पत्र लिखा है। आज रुक्मणी ने जब भगवान कन्हैया को पत्र लिखा है तो ऐसे पत्र लिखा है रुक्मणी ने, रो रो करके पत्र लिख रही है, आंसुओं की धारा बह रही है और कह रही कि श्याम यदि आज तुम लाज बचाने नहीं आए तो दुनिया में कोई मेरी लाज को बचाने नहीं, क्योंकि मेरा भैया ही मेरी लाज को लुटा रहा अपने साले के साथ में विवाह करेगा। तो भैया रुक्मणी ने आज घर में बैठ करके भगवान कन्हैया द्वारकाधीश के लिए पत्र लिखा है कि अरे खत लिखे रुक मेरे सुकुमारी सोधी ले लियो मोरे भगवान कन्हैया को पत्र लिखा। इधर